नमस्कार दोस्तों, मैं नाम पीयूष, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। अभी कुछ दिन पहले की एक खबर है कि NDTV ने बढ़ते हुए कोरोना के दर को देखते हुए एक न्यूज़ छापी, ठीक है, उसको ट्विटर पे डाला। अब थोड़ी सी गलती ये हो गई कि वो भूल गए कि वो किसके लिए काम करते हैं, वो भूल गए कि वो किस चीज़ चाटते हैं, वो भूल गए कि वो किसके अंगूठे के नीचे रहते हैं। तो उन्होंने उस फोटो में एक मुस्लिम युवक को कोरोना टेस्ट कराते हुए फ़ोटो छाप दी। हालांकि कोई बुरी बात नहीं है, कोरोना टेस्ट वो करा रहा है तभी तो फोटो आई है, और फोटो आई है तो छापने में क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत थी, किसको थी, किस बात की थी, आगे पता चलेगा, वीडियो पूरी देखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है साफ साफ, हु इन NDTV डिसाइडेड टू यूज दिस पिक्चर विद रिपोर्ट, एम्प्लॉयज मे रिवील द नेम इफ दे विश टू, DM इज ऑलवेज ओपन। ये एक ऑनलाइन धमकी है एक जिहादी के द्वारा। लेकिन यहाँ पे तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी कोई चीज़, कोई चिड़िया उड़ती हुई नहीं आई है ना। ये जो कैप्टन बने फिरते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, तमाम चीज़ों के, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, लिबर्टी, इसके रक्षक दिखाई नहीं दे रहे मुझे। खैर, अभी ये यहीं नहीं रुका, और देखिए सरजील उस्मानी की, इतना लिखते ही हो सकता है और भी कमेंट्स आए हों, और भी धमकी आई हों, ये ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है, उसका भी आपके पास प्रूफ है, देख लीजिए। और ये रहे, अगर आपको दिखे, पास से दिखे, पास करके दिखे, जूम करके दिखे, जैसे भी, ये हैं वो फर्दर कमेंट्स, फर्दर टिप्पणियाँ, फर्दर धमकियाँ, फर्दर ह्यूमिलिएशन जो NDTV की गई, जिसकी वजह से इन्होंने ये निर्णय लिया कि चलो हम झुकना छोड़ो। सही कह रहे हैं आनंद रंगनाथन कि वो रेंगने ही लग गए। देखिए आगे क्या लिखा है, MC डिलीट का ट्वीट, अबे चादर मोद, NDTV किसकी चुटकी वाले पांच, किसी चुटकी वाले यानी चोटी वाले पंडा की, पंडा का पिक लगाना, मतलब अगर किसी पंडित का लग भी जाता अपने को कोई दिक्कत नहीं, कोरोना टेस्ट करा रहा है अगला, यहाँ पे लोग टेस्ट करा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, खुद ही फोटो खींच खींच डाल रहे हैं। लेकिन खैर ठीक है, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में टिनका। अगर आपके मूल्य की किसी जगह ऐसे फोटो आ भी जाए तो आपके अंदर का जो खौफ है वो हर जगह जाहिर नज़र आ जाता है। जब तबलीगी जमात स्प्रेड कर रहा था, तब जब फोटोज बाहर आ रही थी, तब इन्हें नहीं नज़र आया कि इतनी ह्यूमिलेशन क्यों हो रही है, उस पर रोक आ जाए। लेकिन ऐसे केस में खैर चलो ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। एटलीस्ट NDTV ऑल्सो ज्वाइन गोदी मीडिया क्लब, कॉन्ग्रेचुलेशन शेमलेस पीपल ऑफ NDTV। NDTV है सम शर्म, बेगैरती और ढीठपन की कोई हद है, हती है, देर इज हार्डली एनी मीडिया हाउस इन इंडिया विच इज़ नॉट डीपली इस्लामोफोबिक, स्टॉप यूजिंग मुस्लिम एज स्केपगोट्स फॉर योर लाइक्स रिट्वीट्स, डिलीट दिस ट्वीट। इतना सुनते ही जो इन इस्लामिस्टों का कुत्ता था वो ऐसे ऐसे बैंड हो गया, चारों पैरों पे साष्टांग दंडवत कर दिया उसने, और ट्वीट डिलीट कर दिया। और ट्वीट ही नहीं डिलीट किया उसने, वो फोटो भी बदल दी। आप देख सकते हैं दोनों, बिफोर एंड आफ्टर। अब NDTV की सोनिया सिंह क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ एक इंडियन को कोरोना टेस्ट करते हुए देख रही हूँ, हमारी टीम को धमकाना, डराना बंद करिए, इंटिमिडेट करना बंद करिए अपने एजेंडा के लिए। अब मैं सही समझ नहीं पा रहा हूँ कौन किसका एजेंडा करता है, मुल्ले इनका एजेंडा करते हैं या ये मुल्लों का, ये समझने वाली बात है। लेकिन मैडम अपना ट्वीट लिखने से पहले भूल गई कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आपको धमकाने में सफल रह चुके हैं, वो आपको घुटने में झुकाने में सफल रह चुके हैं। आपने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है, आपने उस रिपोर्ट में से वो फोटो हटा दी है, अब क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो जो चाहते थे तो आपने कर दिया, ये फर्जी का ये विक्टिम कार्ड और क्रोकोडाइल टीयर दिखाने की क्या ज़रूरत है, और ये दिखाने की क्या ज़रूरत है कि हम लोग तो बहुत बढ़िया लोग हैं, हम लोग को तो बहुत बेसिक सी चीज़ दिख रही है, आप हमें डराने की कोशिश मत करिए भाई, डरे हुए को डराया नहीं जाता सर। अब अगर भविष्य में कभी भी ऐसे मुद्दे सामने आए NDTV के द्वारा, जहाँ पर NDTV किसी मीडिया के करेज के ऊपर, इंटेग्रिटी के ऊपर बात करे, तो उसके लिए अभिजीत अय्यर मित्रा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि द नेक्स्ट टाइम NDTV जर्नलिस्ट टॉक्स अबाउट करेज एंड इंटेग्रिटी एंड गोदी मीडिया एंड नॉट गिविंग इन टू इंटिमिडेशन जस्ट पोस्ट दिस पिक्चर अंडर देयर ट्वीट, डोंट से एनीथिंग। साफ बात है कि एक पिक्चर हजार शब्दों के बराबर होती है, आप ये फोटो पोस्ट कर दीजिए, उनको जवाब मिल जाएगा। और ऐसा एक व्यक्ति नहीं, सब करेगा। जब भी ये कहें ये तो गोदी मीडिया है, वो तो BQ मीडिया है, वो तो झुक जाती है, वो तो इस्लामोफोबिक है, वो तो मुसलमानों के खिलाफ, वो तो हेटरेट फैला रही है, ऐसे लोग कभी भी ऐसी बातें करें, तो आप उनके सामने कभी भी एक छोटा सा ट्वीट कर सकते हैं, उनके ट्वीट के नीचे
पोस्ट कर सकते हैं। अब जरा इन सब चीज़ों पे आप हर एक एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए। ऐसी घटनाएं इन बातों का एग्जांपल होती हैं कि मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, ठीक है, इस्लामिस्टों को लगा कि मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, रुको भी टाइट करता हूं, 2 मिनट में टाइट कर दिया, एक्शन का रिएक्शन आपके सामने है, ठीक। और इस इवेंट ने इन्हीं के पाखंड को भी एक्सपोज कर दिया कि इनके पास इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि जेन्युइन एक्ट भी कर सके, जेन्युइन रिपोर्टिंग भी कर सके, उसमें एक मूल्य की फ़ोटो भी डाल सकें। सिर्फ वैक्सीन लेते हुए भी नहीं, वैक्सीन को भी हराम हलाल तमाम चीज़ छोड़ो, सिर्फ कोरोना टेस्ट करवा तो रहे हैं ना वो लोग, कह दो कि हम कोरोना टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, कोरोना टेस्ट तो करवा रहे हैं, खुद भी फ़ोटो लेते होंगे, उनके परिवार वाले फ़ोटो लेते होंगे, लेकिन NDTV ने डाल दिया तो भाई वो गोदी मीडिया भी बन चुका है। और इतने विरोध के बाद, इतने उसके एलिगेशन, हेटरेड और इंटिमिडेशन, धमकियाँ, इसके बावजूद, हटाने के बावजूद एक बार भी ये नहीं कहा कि प्रेस फ्रीडम ख़त्म हो रही है। वो जो प्रेस फ्रीडम वाली चिड़िया है वो इनके पिंजरे से भी उड़ चुकी है, अब इनको नहीं पड़ी है प्रेस फ्रीडम की। अब भारत की डेमोक्रेसी को कोई ख़तरा नहीं है, अब भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को कोई ख़तरा नहीं है, जो ये भीड़ तंत्र इनके ऊपर काबिज़ हो जाता है उसका इन्हें कोई डर नहीं, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया कि इनके आका कौन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अगर आप समझ गए हैं ये कौन है, ये कैसे लोग हैं, कितना एक्सपोज हो चुके हैं ऑलरेडी, आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। कभी भी कोई लेफ्टिस्ट, माओवेस्ट, इस्लामिस्ट, ये NDTV वाला कुछ भी आपके सामने बहस करे, उसके सामने ये वीडियो या ये पोस्ट फेंक के मारना, बहुत तेज मारना। देखो, जिस विंग को तुम सपोर्ट करते हो, जिस विंग की बातों को तुम सच मानते हो, जिन पत्रकारों को तुम ये मानते हो कि उन्हें तो पता नहीं कैसे कैसे अवार्ड मिलते हैं विदेशी, वो इतने सच्चे, इतने बहादुर हैं, 2 मिनट में कुछ ट्वीट्स, रीट्वीट्स और 1-2 धमकियों में डर जाते हैं, बस सही जगह से आनी चाहिए, समझ में आ रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले में। जय हिंद, वंदे मातरम।